अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे और अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिमूवल पे। हम लेज़र हेयर रिमूवल पे क्यों बात करना चाहते हैं और बार बार क्यों बात करते हैं, जबकि लेज़र हेयर रिमूवल कोई नया मेथड, कोई नया प्रोसीजर नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत हेयरी हैं, जेनेटिकली रेशियली हम सब लोग बहुत ज़्यादा हेयरी हैं। फीमेल्स जो कि नहीं चाहती हैं कि अनवांटेड एरियाज़ के ऊपर उनके बाल हों, बट फॉर सम हाउ जेनेटिकली रेशियली नेचुरली फेमिलियली बहुत सारे बाल हैं, मतलब पूरे पूरे फेस पे, यहाँ तक के कानों पे, आपकी जो फिंगर्स हैं उनके ऊपर, आपके टोज पे, आपके हैंड्स पे, फीट पे, मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसके ऊपर बाल ना हो हम लोगों के, पाकिस्तानी की बात करें। अब करें क्या, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हर स्किन फ़र्क होती है और हर स्किन फ़र्क होती है तो बहुत दफ़ा आपकी जो स्किन होती है उसका रिएक्शन बहुत अजीब होता है। इतना अजीब रिएक्शन होता है कि कभी उसके ऊपर रैशेज हो जाएंगे, कभी उसके ऊपर फॉलिक्यूलाइटिस स्टार्ट हो जाएगा, कभी उसके ऊपर कुछ और हो जाएगा, या कुछ लोगों की स्किन डार्क होना शुरू हो जाती है उस जगह से जहाँ से वो वैक्स करते हैं या थ्रेड करते हैं, फिर इनग्रोन हेयर होना शुरू हो जाते हैं, वो उसके थ्रू ट्रेवल करती है और उसके बाद हेयर फॉलिकल को इनएक्टिव करती है। कुछ हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो डेड हो जाएंगे और कुछ जो हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे, जिससे आप देखेंगे कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो कम होती जाएगी। और अगर आपके 100 बाल थे तो 100 में से कोई 10 बाल रह जाएंगे, वो भी वीक होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं और उनमें इतनी ताकत ही नहीं होती है और वो इतने शोएबल, इतने नोटिसेबल नहीं होते हैं। तो इसको हम जो है वो लेज़र हेयर रिडक्शन बोलते हैं कि आपके जो प्रॉब्लमेटिक हेयर हैं उनमें रिडक्शन हो जाए विदाउट डैमेजिंग योर स्किन। जब आप कन्वेंशनल मेथड्स पे जाते हैं तो वहाँ से ओपन पोर्स भी होते हैं, वहाँ से एरिया डार्क होता है, इनग्रोन हेयर होता है, बाल पहले से ज़्यादा हो जाता है, पहले से ज़्यादा मोटा हो जाता है। उसके अलावा स्किन के ऊपर फॉलिक्यूलाइटिस हो सकता है, इवन जिन लोगों की स्किन एक्नी प्रोन होती है उनको एक्नी या पिम्पल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ढेरों मसाइल में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया है पूरी बॉडी पे, कहीं पे भी है, इवन अंडर लेग्स, अंडर आर्म्स, आपके जो टोज हैं, आपकी फिंगर्स हैं, या फेस का कोई भी एरिया या बॉडी का कोई भी एरिया, लेज़र हेयर रिडक्शन जो है वो बिल्कुल सेफ मेथड है और आप इसके लिए जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं है जो आपको ड्यूरिंग द लेज़र सेशंस या जब आपके लेज़र सेशंस ख़त्म हो चुके हुए हों, ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका हुआ हो, ऐसे एरियाज हैं जो आपको तंग करते हैं और वहाँ पे शेड आ गया हुआ है, वहाँ पे पिगमेंटेशन हो गई हुई है या बार बार इन्फेक्शन होता है, देन गो फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन। इट्स टोटली सेफ और आप याद रखिएगा जब आप इसे कराएंगे और इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे तो आप सोचेंगे कि आपकी लाइफ कितनी इजी हो गई है। तो अपना ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।